लो ये निकल गई। अब एक ये निकालनी है हमें यहाँ से, इसको ऐसे तरीके से निकालते हैं, ये इसमें लॉक है, इसको दबाना है अच्छे से, ये मिक्स होगा उतना अच्छा ये चिपकेगा, वेस्ट नहीं करना, अच्छे से मिक्स पूरा। देखो हेलो भाई लोग, दिस इज़ विजय, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस कैसे हो आप लोग, और सब बढ़िया? सो भाई लोग अभी सुबह के 11 बज रखे हैं और गाइस अब शुरू करते हैं अपने गाड़ी सही बनाने का। एक्चुअली मेरे को इतने दिनों बाद टाइम मिल ही गया उसको सही करने के लिए। तो ये है मेरे पास 2 MC, पहले गाड़ी खोलेंगे उसके बाद करेंगे कार्यक्रम शुरू। और अभी मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं करा है, मेरे को पहले जल्दी जल्दी ये काम निपटाना है, उसके बाद मेरे को व्लॉग एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, फिर व्लॉग अपलोड करूँगा, फिर जाऊँगा जिम, बहुत सारे काम है गाइस अभी। तो यार कैमरे पे क्या लग गया इसके, अब क्लीन है। सो गाइस फिर स्टार्ट करते हैं फिर ये काम भी, और व्लॉग अभी मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया है बस, एडिट भी करना बच रहा है। तो पहले ये काम शुरू करते हैं, ये ख़त्म करते हैं गाड़ी का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडिटिंग, फिर उसके बाद चाय पियेंगे और फिर अपलोड करके फिर जाएंगे आज जिम। आज शायद जिम लेट में जाऊँ मैं, तो करते फिर स्टार्ट। सो गाइस ये अपनी राम प्यारी, और चाबी तला है नहीं मैं, चलो स्टार्ट करते हैं इसका कार्यक्रम। पहले कुछ चीज़ें चाहिए हमें, ये क्या है यार फेंको इसे, ये बस इतना ही चाहिए। तो इसमें पहले हमें निकालने पड़ेंगे मिरर्स, दोनों मिरर्स निकालने हैं, उसके बाद ये स्क्रू है 1, 2 और ये 3, 4, ये 6 स्क्रू है, ये खोलने पड़ेंगे। तो पहले मिरर्स निकालते हैं इसके, स्क्रू बाद में खोलेंगे। यहाँ रखते तो इन्हें, इस पर कौन सी चाबी लगेगी, 5, 9, ये लग सकती है, ये भी नहीं लग रही। अरे यार चाबी अभी ना ये वाली लग जाएगी, नहीं यही लगेगी, इस पर एडजस्ट करके लगानी पड़ेगी। हाँ ये लग रहेगी, तो इसे ओपन किधर की साइड होगा, ये हो गया ओपन। तो गाइस इसके दोनों मिरर निकाल दिए मैंने, अब इसके स्क्रू खोलते सारे। इसमें हमें कुछ वायरें निकालनी है, इसमें 2 वायर है, जैसे ये एक ये वाली और एक ये वाली, पहले ये निकालता हूँ, ये निकल जाओ, ये निकल गई। अब एक ये निकालनी है हमें यहाँ से, इसको ऐसे तरीके से निकालते हैं, ये इसमें लॉक है, इसको दबाना है और ये बाहर, ये हो गई, ये निकल के आ गई अपनी लाइट, अब देखो कैसी लग रही है। तो ये गाइस यहाँ पर कागज अटका हुआ है, पता नहीं किसने अटकाया कागज। तो ये हो गई हमारी जो हिल रही थी, ये हिल रही थी, ठीक है। तो ये यहाँ से देख रहे हो, देखो जैसे ये है ना, इसका भी मैंने पूरा का पूरा MCL से जोड़ा हुआ है, और ये जो देख रहे हो ये वाला लॉक टूट गया था इसका, यहाँ पे ये ना ये लॉक यहाँ इस तरीके से अटैच होता है इसके यहाँ, तो ये टूट गया इसका, जिसकी वजह से ये आवाज़ भी कर रही है और हिल भी रही है, ठीक है। तो जोड़ते हैं इसे पहले,
ये जो है ना इसको खोलते हैं, इसको निकालते हैं यहाँ से, ये पहले किसी ने जुगाड़ करा हुआ, ये देख रहे हो, ये शायद कहीं गाड़ी बनाने दी होगी ना तो उन्हें लगा होगा कि यार ये लॉक टूट गया है, तो उन्होंने जुगाड़ करके यहाँ पे ऐसे इस तरीके का लॉक लगा दिया जो टूट चुका है फिर से। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले से साफ करेंगे थोड़ा सा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ये खोलेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है ये निकाल दिए स्क्रू हमने। अब क्या करना है, थोड़े से खुरच के ना ये जोड़ना हमने ऐसे, ठीक है यहाँ पे ये चीज करते हैं थोड़ी देर में, पहले एम सील का कर लेते हैं वाला। तो हम एक एम सील लेंगे ये ली, इसके अंदर आते हैं दो पाउच इस तरीके के, देखो ये दो पाउच आते हैं, इनको फाड़ेंगे हम, ये एक के अंदर ये रहेगा ऐसा ब्लैक ब्लैक सा, इसे फेंक दो ये, और एक है ये वाला, इसके अंदर एक वाइट कलर का पेस्ट रहेगा, मतलब ये ग्रीनिश वाइट टाइप का, देखो ये है, ठीक है। तो ये एकदम सॉफ्ट, ये देखो सॉफ्ट सॉफ्ट से क्लेट जैसे रहते ये। अब हमने क्या करना है, इसे मिक्स करना है अच्छे से, ऐसे चिपकाओ और इसे मिक्स करो, जितना अच्छे से ये मिक्स होगा उतना अच्छा ये चिपकेगा, वेस्ट नहीं करना, अच्छे से मिक्स पूरा, देखो अब ये हो चुका है अच्छे से मिक्स। तो अब इसे बस प्लेस करना है यहाँ पे, पहले लाइट को ऐसे पकड़ लेता हूँ मैं, ये लाइट है, इसको यहाँ दबा के ऐसे पकड़ा, ठीक है। और मैं चाहता तो इनका भी सहारा ले सकता हूँ, बट पहले मैं इसके ऊपर ऐसी लाइट लगाऊँगा, मतलब ये इसको थोड़ा सा तोड़ूँगा और इस थोड़े से जो पीस है पहले इसको सेट करूँगा मैं यहाँ नीचे दबा के, ठीक है ये है। अब इसे स्क्रू वाले जो है ना इनको छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मैं इसको भी लगाऊंगा स्क्रू में, ये हुआ ये सेट, इजी था, ज़्यादा कुछ वो है नहीं इसमें, ये करना है इससे जो टूट रहा है उसको भी अच्छी तरीके से लगाऊं। अब हम करेंगे इसके स्क्रू वापस लगाएंगे, ये जो दो स्क्रू है ना इसके, ये स्क्रू जुगाड़ वाले स्क्रू थे तो हम इनको वापस से लगा के इस जुगाड़ को अपने वाले जुगाड़ के साथ मिक्स करके तब लगाएंगे ताकि अच्छे से हो जाए। देखो ये है, और इसे टाइट कर देता हूँ यहाँ, ये थोड़ी ना ग्रिप बन जाएगी इससे ना, इसके साथ इससे ना ये जो है प्लेट इससे ग्रिप बन जाएगी यहाँ पे। इसको मैं इसको लगाता हूँ पहले उधर वाली साइड, तो मैंने देख लो यार गाइस तुमने कितना सारा मैंने वो लगा रखा है एम सील, वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 3 एम सील यूज़ करी थी। अब देखो जैसे ये है ना, तो मैं इसको थोड़ा घुमाऊँगा इस तरफ को, अरे यार कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दिया मैंने, पहले सेट तो करना था इसे, ये है, इसे हल्का से ऐसे रखूँगा ताकि ये जो मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा एम सील लगाऊँ ना उसकी, अबे कहाँ जा रहा है, इस तरफ को करते इसे और इसे यहाँ पर टाइट कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया टाइट, ठीक है। अब ये मैंने एम सील इसीलिए लगाई ताकि ये नीचे थोड़ा सा बेस ही बन बेस बन जाए इसका। अब इसके ऊपर इसके साथ एम सील लगाऊंगा, ये देखो ये है जो बची हुई एम सील थी उसको हम ऐसे लगा देंगे, आप प्लेस कर देंगे, इसको टाइट करके पकड़ के रखना है यहाँ पे ताकि गलत तरीके से प्लेस ना हो, और उसे दबाना है बस, सेट करो पूरा अच्छे से, जितना अच्छे से सेट होगा ना उतना मजबूत। जैसे ये देखो, ये एक बार लगाया था मैंने बहुत पहले और अभी तक ऐसा है कि बिल्कुल कड़क, अब लाइट टूट के अलग हो जाएगी, बिखर जाएगी पूरी, पर ये एम सील नहीं बिखरने वाली। सो गाइस ये हो गया हमारा फिक्स, देख सकते हो एकदम पूरी एम सील अच्छे से लग गई है और लाइट एकदम हो गई है सही, अब ये हिल नहीं रही है, अभी एम सील सूख ही नहीं है ढंग से, एक बार सूख जाएगी ना तो उसके बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगी,
तो फिलहाल जब तक ये सूखती नहीं है तब तक हम इसे, ये हो गया, ये हो गया सही, ठीक है ये हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे धूप में रख के आ जाएंगे और इस लाइट को हम यहाँ पर रख देंगे। लास्ट टाइम भी मेरे को याद है मैंने ऐसी ही रखी हुई थी यहाँ पे। अब ये धूप में सूख जाएगी, अब इसे हम छोड़ देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। जितनी देर में ये होगा उतनी देर में मैं अपनी एडिटिंग भी ख़त्म कर दूंगा। और सो गाइस मैंने अपनी गाड़ी का जो है एमसील वमसील लगा दी है, इसमें धूप नहीं आ रही है। सो गाइस मैंने इसमें एमसील फिक्स कर दी है पूरी, मैं दिखाता हूँ आगे से कैसी लग रही है। ये देखो कुछ इस तरीके की लग रही है अपनी गाड़ी, और ये पूरा का पूरा खुल चुका है इसका, देख रहे हो ये पीछे, ये पूरा खोल दिया मैंने। और जो इसका आगे का उसमें एमसील फिक्स करके मैंने धूप में सुखाने रख दिया है। मेरा भी मैंने उसमें एमसील लगाई है और वो भी धूप में रख दिया है। तो अभी जैसे ही सूखता है इसे आधे घंटे के लिए छोड़ते, तब तक ये हार्ड हो जाएगा। और तब तक हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, अपनी एडिटिंग का भी काम करना है, उसके बाद जिम भी तो जाना है और बहुत सारे काम है। तो मैं जाता हूँ एडिटिंग ख़त्म करने के लिए, तब तक चलिए बाय। और जैसे ही वो होता है फिर, काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने वीडियो क्या बोलते हैं एडिट करके एक्सपोर्ट करने के लिए लगा दी है, और टाइम शायद मेरे को लग रहा है 5 बजने वाले हैं। हाँ 5 बज चुके हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं, पहले वो लेके आते हैं उसे, और ये इसका तो मैं यार चाबी फिर चाबी भूल गया, चाबी कहाँ रखी मैंने। सो गाइस लेके आते इसे, कहाँ गया, अब तक तो फिक्स हो जाना चाहिए आई थिंक, इसे काफ़ी देर हो चुकी है। और हाँ हो चुका है ये हार्ड, तो अब चलते हैं। ये देखो काफ़ी हार्ड हो चुका है अब, तो अब पहले इसे लगाते हैं, फिक्स करते हैं यहाँ पे। और आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसका जुगाड़ बिठाऊं, इस लाइट को किसी और दिन फिक्स करेंगे, फिलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं है कसम से गाइस। 5 बज चुके हैं, जल्दी से इसे फिक्स करता हूँ। यहाँ पे ये चाहिए, बाकी निकाल लूँगा, पहले यही चाहिए। ड्राइवर्स भी यहीं पे रखे हुए, तो लगाते हैं इसकी वायर पहले। सेम वही करना है जो हमने निकाली थी वायरें, ये 2 वायर थी, एक है एक है, थोड़ा देख के लगाना, ये लग गई ठीक है। वायरों से बचा के ये जाएगा अंदर वाली साइड, देख रहे हो ये वाला, ये और ये, इस इन दोनों के बीच में ऐसे फिक्स करना है इसे। ये हो गया फिक्स। हाँ तू आ गई, आज इसी जल्दी कैसे आई? अच्छा तो ये हो गया यहाँ फिक्स, मस्त। अब नहीं लेगी लाइट, अब नहीं करेगी ज़्यादा वाश। कर दिया जो कर रहा था। हाँ लगाते हैं इसको, कस देंगे अभी ना ढंग से। सो गाइस हमारी गाड़ी जो है वो फिक्स हो चुकी है, देख सकते हो आप, अभी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और एकदम सही जोड़ लगा है इसका। तो गाइस फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मज़े करो, राइड करो और इन्जॉय करो, बाय।